यार हमने 2022 में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंसेस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बहुत सारे इंश्योरेंसेस को अलग अलग पैरामीटर्स में एनालाइज किया था, क्लेम सेटलमेंट रेशो, इनकार्ड सेटलमेंट रेशो, स्पीड ऑफ अप्रूवल एक्सेट्रा. उसके बाद हमने टॉप 7 की एक लिस्ट बनाई थी. दीज वर द टॉप 7 हेल्थ इंश्योरेंसेस ऑफ 2022. बजाज आलियांस, HDFC अर्गो, टाटा AIG, स्टार हेल्थ, SBI जनरल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस. हमने IRDAI की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखा एंड वी फाउंड आउट दैट दीज 7 कंपनीज आर ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड दिस ईयर अक्रॉस ऑल दी पैरामीटर्स. सो हमने सोचा कि इस साल वील टेक अ स्टेप फर्दर. सो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए. आपको जैसे कि पता है कि सारी कंपनीज के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं. सो हमने सारी कंपनीज के बेस्ट वाले प्लान्स को कंपेयर किया अक्रॉस 6 डिफरेंट पैरामीटर्स. नंबर 1 पैरामीटर इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स. इसका मतलब है कि कंपनी का कितने हॉस्पिटल्स का टाइप है. जितने भी हॉस्पिटल के साथ कंपनी का टाइप होगा वहां पर आपको कैशलेस क्लेम मिल जाता है, यानी कि आपको बिल भरते टाइम या बिल के टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पर आपको बिल आने के बाद पहले आपको बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर व्हाइल दे विल सेंड यू द मनी. सो इट्स ऑब्वियस कि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स का टाइप हो उतना ज्यादा अच्छा, आपका कैशलेस क्लेम के चांसेस बढ़ जाते हैं. इस टेबल में हमको क्लियरली दिख रहा है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, क्लोजली फॉलोड बाय HDFC अर्गो एंड SBI जनरल. बजाज आलियांस 4th नंबर पे आता है एंड टाटा AIG 5th पे. यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल इंडिया तो काफी पीछे हैं. सेकेंड पैरामीटर इज नो क्लेम बोनस. नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि अगर आप किसी साल इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हो तो आपको उसका एक बोनस मिलता है विच इज कॉल्ड नो क्लेम बोनस. ये दो टाइप के होते हैं. सो अगर आपने इस साल क्लेम नहीं करा अपना इंश्योरेंस तो आपको नेक्स्ट ईयर आपका जो एनुअल प्रीमियम है उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है. यानी कि अगर आप 10,000 का एनुअल प्रीमियम भरते हो और अगर आपने इस साल इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा सो नेक्स्ट ईयर आपको 9,000 या 9,500 ही भरना पड़ेगा. सेकेंड टाइप का होता है जिसमें आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो तो सेम रहता है लेकिन आपको सेम अमाउंट में कवर ज्यादा मिल जाता है. जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सब कंपनीज सेकेंड टाइप का कवर ही प्रेफर करती हैं. यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कवर HDFC अर्गो में मिल रहा है अप टू 200%. सो अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ली है एंड अगर आपका 8 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं करा है तो वो कवर आपका 200% यानी कि 50 लाख से बढ़कर 75 लाख का हो जाएगा. टाटा AIG एंड स्टार हेल्थ आपको 100% तक का बोनस दे देते हैं. बजाज आलियांस एंड SBI जनरल सिर्फ 50% तक एंड यूनाइटेड एंड ओरिएंटल में तो कोई बोनस है ही नहीं. In our opinion, this is one of the most important factors for deciding your policy. Third parameter is room rent limit. यानी कि आप कितने तक का room rent ले सकते हो, room rent कर सकते हो. And this is extremely important. We'll tell you why. मान लीजिए आपके इंश्योरेंस में आपके पास 5,000 तक की लिमिट है फॉर योर रूम रेंट एंड आपका जो सम अश्योर्ड है वो है 10 लाख का. सो अगर आपने किसी रीजन की वजह से 5,000 का छोड़ के 10,000 का रूम लिया एंड आपका टोटल बिल आ गया 3 लाख रुपए. सो क्योंकि आपने 5,000 की लिमिट जो आपके रूम रेंट की थी उसको आपने बढ़ा के 10,000 कर दिया विच इज लाइक 50% ज्यादा. सो आपको इस 3 लाख के बिल में से सिर्फ 1.5 लाख का ही कवर मिलेगा विच इज लाइक 50% ही आप क्लेम कर पाओगे इस केस में. बजाज, HDFC, टाटा एंड SBI में रूम रेंट तक की कोई लिमिट ही नहीं है. स्टार में आप सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम ही ले सकते हैं वो भी जितना महंगा हो. यूनाइटेड एंड ओरिएंटल में आप मैक्स एक सम अशोर्ड का 1% तक का ही रूम ले सकते हैं, रूम रेंट पे ले सकते हैं. सो अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी तो आप मैक्स 10,000 वाला रूम ही रेंट कर सकते हो. सो अभी तक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि यूनाइटेड एंड ओरिएंटल सब पैरामीटर्स में पीछे दिख रही है. अमंग्स प्राइवेट कंपनीज HDFC अर्गो अभी सारे पैरामीटर्स में अच्छा दिख रहा है, क्लोजली फॉलोड बाय टाटा AIG एंड स्टार हेल्थ. फोर्थ पैरामीटर इज वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस. सो अगर आपको पहले से हुई कोई डिजीज है तो उसका क्लेम करने के लिए आपको 2 से 3 साल तक का वेट करना पड़ता है. यहाँ पे बजाज आलियांस एंड टाटा AIG आर ऑफरिंग द लीस्ट वेटिंग ऑफ 2 ईयर्स फॉलोड बाय HDFC अर्गो ऑफ 3 ईयर्स. बाकी सब 4 साल का वेटिंग पीरियड दे रहे हैं. इस पैरामीटर में भी प्राइवेट कंपनीज आर फार बेटर देन गवर्नमेंट काउंटर पार्ट्स. Our last two parameters are maternity cover and OPD expenses. Maternity का मतलब तो आप लोग समझते ही हो. OPD यानी कि outpatient department जो आपके expenses होते हैं उसका मतलब है कि ऐसी चीजें जिसके लिए आपको hospital में admit नहीं होना पड़ता, like spectacles, crutches, dental treatment, etc. हमारे experience में it is really good to have them in your health insurance. So these were all the 6 parameters जिसपे हमने इन सारी health insurances को analyze किया. We understand कि सबकी preference अलग हो सकती है. Maybe some want less time for pre-existing diseases. Some want जिनका room rent ज़्यादा हो, कुछ को चाहिए कि ज़्यादा hospitals में उनका network हो. अगर आपकी ऐसी कोई preference है so you are free to pick जो भी आपकी preference के according सही हो. अगर ऐसा नहीं है and you just want a decent health insurance for yourself then our pick would be either Tata AIG Medicare Premium
और बजाज आलियांस सुप्रीम अल्टिमो। HDFC Ergo सुरक्षा प्लैटिनम भी अच्छा है, बट वी आर जस्ट अ लिटिल टर्न ऑफ बाय जीरो कवर फॉर मैटरनिटी एंड OPD कवर एंड हाई वेटिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। बाकी आप कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस यूज करते हैं, आपने कौन सी ले रखी है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इफ यू वांट अनदर डिटेल वीडियो अबाउट एनी ऑफ दीज हेल्थ इंश्योरेंसेस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बी किफायती।